संविदा कर्मियों ने प्रदेश सरकार से अपनी मांगों को लेकर आज पीजी कॉलेज में तालाबंदी कर दी। यह तालाबंदी का कार्यक्रम आज प्रदेश भर के समस्त कॉलेजों पर रखा गया था। गौरतलब है कि कल भोपाल में संविदा कर्मियों के विरोध प्रदर्शन में एक महिला ने विरोध स्वरूप अपना सर मुंडवाया था, जिसके विरोध में आज प्रदेश भर में यह प्रदर्शन किया गया। हम 20-25 वर्षों से अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालय में कार्य कर रहे हैं। हमारी महामहिम शिवराज से या हमारे मुखिया से ये की प्रार्थना है कि हमें पीएससी को निरस्त कर हमें संविदा की नियुक्ति दे और हमें हमारा भविष्य सुरक्षित करे। इसी तारतम्य में कल भोपाल में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पर एक हमारी साथी महिला साथी, जो कि एक बहुत दुखद घटना है हिंदू धर्म में, ऐसा होता नहीं है क्योंकि हिंदू धर्म में किसी महिला के बाल मुड़ने का मतलब है उसकी मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया निरंकुश हो चुके हैं, वो हमारी बात मानने सुनने तैयार नहीं है। इसलिए हमारा उनसे इस माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हमें वो संविदा नियुक्ति दें एवं हमारी महिलाओं के सम्मान में, इस हिंदुत्व के सम्मान में जिसकी आप बात करते हैं, हिंदू हिंदुत्व की बात करते हैं, उसके सम्मान को बनाए रखें, गरिमा को बनाए रखें, यही हमारी हमारे मामा शिवराज से प्रार्थना है। आज हमने यहाँ पर कॉलेज में सर तालाबंदी करी है उस महिला के सम्मान में जिसने कल भोपाल में मुंडन कराया था, क्योंकि ये शोक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में आज सभी कॉलेजों में तालाबंदी है। वहीं इस प्रदर्शन को जायज मानते हुए छात्र संगठन डीएसओ ने भी इन संविदा कर्मियों की मांगों का समर्थन करते हुए आज इस तालाबंदी में इन संविदा कर्मियों का पूर्ण सहयोग किया है। साथ ही प्रदेश सरकार से उनकी मांगों को जल्द मानने का आह्वान भी किया है। हम लोगों का ही मानना है कि जो टीचर्स जो आंदोलन चला रहे हैं उनकी बिल्कुल सही मांगे हैं। नेट क्वालिफाई जो टीचर है मतलब वो सारे काम करते हैं, फिर भी उन्हें जो परमानेंट टीचर उनसे कम सैलरी दी जाती है, उनसे कम सुविधाएं दी जाती है, इसलिए उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। इसी मांग के समर्थन में पूरे प्रदेश भर में आज जिसों की प्रदेश कमेटी की तरफ से भी अतिविद्याओं का समर्थन किया गया, हमने भी आज जो कॉलेज बंद किया गया उसमें उनका समर्थन।